दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के बेहतरीन सिंगर और लिरिसिस्ट मनिंदर कैली के बारे में। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी सारी वीडियो देख सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 मार्च 1993 को पंजाब के लुधियाना में जन्म हुआ बेहतरीन कलाकार मनिंदर कैली का। मनिंदर को स्कूल के दौरान से ही पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक सीखने में रुचि हुआ करती थी और मनिंदर के घर वाले भी म्यूजिक के प्रति कैली को सपोर्ट किया करते थे ताकि वह बड़े होकर म्यूजिक को अपना कैरियर बना सके। मनिंदर और उनका बेस्ट फ्रेंड पराब गिल, ये दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और ये दोनों कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में लाइव परफॉर्मेंस भी किया करते थे, जिसकी वजह से ये दोनों की कॉलेज में थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों मैं तो कॉलेज का नाम बताना तो भूल ही गया। दोस्तों इनकी कॉलेज का नाम गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कॉलेज के दौरान मनिंदर कैली ने एक बहुत बढ़िया गाना लिखा था जिसका नाम तेरे बिना था और मनिंदर चाहते थे कि ये गाना पराब गिल ही गाए, क्योंकि मनिंदर जानते थे कि इस गाने को बहुत अच्छा पराब गिल ही गा सकते हैं, इसलिए इस गाने को पराब गिल को दिया गया। 2009 में इस गाने को रिलीज कर दिया गया और मनिंदर कैली ने इस तरह से डेब्यू किया अपना पंजाबी इंडस्ट्री में एक लिरिसिस्ट के तौर पर। इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया लेकिन मनिंदर को ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं मिला इस गाने से, यहाँ तक कि इस गाने को बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अगर आपने ये गाना सुना है तो कमेंट में बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा। लेकिन साल 2014 में पंजाबी इंडस्ट्री के बड़े म्यूजिक लेवल स्पीड रिकॉर्ड्स पर आ जरा सॉन्ग रिलीज किया गया और ये समय मनिंदर कैली की लाइफ का सबसे बड़ा सुपरहिट सॉन्ग साबित हुआ। अगर आपने इस गाने को सुना हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस गाने की वजह से मनिंदर कैली की फैन फॉलोइंग तो बढ़ी और इसी गाने की वजह से कई बेहतरीन गाने करने का भी ऑफर मिला पंजाबी इंडस्ट्री से मनिंदर कैली को, जैसे इमोशनल, बराबर बोली, तारिया देश, जिंदगी और भी कई बेहतरीन गाने। जिस तरह से मनिंदर कैली ने अपनी सफलता को हासिल किया, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफलता किसी को भी एक बार में नहीं मिलती। किसी को सफलता एक साल में मिलती है तो किसी को 10 साल में, तो किसी को 50 साल में। लेकिन भाई लोग, अगर किसी के नेक इरादे और कुछ बड़ा करने के वादे किसी को भी दे रखी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, या गर्लफ्रेंड हो, या वो खुद ही हो, तो वो कुछ करेगा और अपने सपने को पूरा करेगा, जैसे कि मनिंदर कैली ने किया। 2009 से 2014 तक मेहनत करी लेकिन 2014 में फेम मिला, नेम मिला और बहुत कुछ मिला। दोस्तों अगर आप लूडो किंग खेलते हैं तो आप भी लाखों रुपये कमा सकते हैं लूडो खेल के। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये गेम आपको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल मिलेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।